जब भी टाइम मिले तो व्यक्ति को 30 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा एकांत में बिताना चाहिए। एकांत में बिताने से व्यक्ति को ये मालूम पड़ता है और अपने बारे में आत्मविश्लेषण कर सकता है कि क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आत्मविश्लेषण कर सकता है। तो आत्मविश्लेषण करने के लिए व्यक्ति को थोड़ा बहुत समय इस तरह से बिताना चाहिए जिसकी वजह से वो आत्मविश्लेषण कर सके। पूरा दिन एक रूटीन में रहेगा, भीड़ के बीच पे रहेगा, टीवी देखता रहेगा, तो वो आत्मविश्लेषण नहीं कर सकता है। 30 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट उसको आत्मविश्लेषण करना चाहिए और एकांत में बैठ के वो सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी वजह से उसका आत्मविश्लेषण उसको सही गलत के बारे में बताएगा। अगर वो आत्मविश्लेषण नहीं करता है, अपने एकांत में बैठ के कोई भी चीज़ पे ध्यान दिए बिना, न मोबाइल न दूसरी चीज़, सिर्फ आत्मविश्लेषण करें 30 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, और उसके बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर अलग से ही अंदर की आवाज़ आती है, जमीर की आवाज़ आती है, आत्मा की आवाज़ आती है। वो आत्मविश्लेषण हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति जरूर एक नई ऊर्जा और नई चीज़ का उसमें संचार होगा। धन्यवाद।